कुछ जगहों में दोस्तों का काफिला सजता है, कुछ जगहों में परिवार का रंग जमता है, लेकिन जब दोनों की ही जगह दिल में है तो क्यों दोनों से मिलने का ठिकाना अलग सा होता है। आइए आपको लेके चलते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में, दैट इज प्लेस फॉर एवरी मूड, अ प्लेस फॉर एवरी एज ग्रुप। नमस्ते। हाय गाइस, हम हैं सिस्टर्स वर्सेस ग्लोब। मैं हूँ नेहा। और मैं हूँ मेघा। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं ग्रीस। जी हाँ, बॉर्डर्स खुल चुके हैं तो हम आपको लेके जाएंगे ग्रीस। लेकिन एक खास बात है, ये ग्रीस जो है वो है विदाउट वीजा। वाओ, दैट साउंड्स वेरी कूल एंड इनएक्सपेंसिव गाइस। तो हम तो इनफैक्ट यहाँ पे आ गए हैं ऑटो में ही। तो कैसे आए हम ग्रीस ऑटो में? बिकॉज ये है नोएडा का अपना ग्रीस, जिसकी वाइब्स तो है बिल्कुल ग्रीक, लेकिन नाम है बिल्कुल देसी। सो वेलकम टू टैमरिंड किचन। मेन्यू तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनफैक्ट इनके पास दो दो मेन्यू हैं, एक ग्रीक थीम थोड़ा यूरोपियन स्टाइल, और एक ऑब्वियसली हम इंडियन लोग हैं तो देसी तो हमें पसंद है, जैसे नाम है टैमरिंड। टैमरिंड में हम अभी हम क्या ऑर्डर करेंगे, हम बहुत ही कंफ्यूज हो गए बिकॉज देयर आर सो मेनी माउथ वाटरिंग डिशेस। तो मेरे ख्याल से हैंड बिटन कॉफी तो हम जरूर लेंगे। वो तो लेनी है, लेकिन हैंड बिटन कॉफी एंड में ले, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में हो जाए कि खाना वाना खत्म हो तो एंड करे कॉफी से। यूरोप में यूजुअली ऐसे करते हैं। सो इसके बाद जब हम आपसे मिलेंगे, वी विल हैव लॉट्स ऑफ फूड ऑन द टेबल। सो 1 2 3 गाइज, अब हमारा ये स्टार्टर मेन्यू जो है वो आ चुका है। हमारे तीन आइटम्स आ चुके हैं विद आर शेक्स एंड कोल्ड कॉफ़ी। सो कोल्ड कॉफ़ी एंड कॉफ़ी शेक। सो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। वेरी नाइस। और इनफैक्ट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, हमारे यहाँ पे ना एक कॉम्बिनेशन चल रहा है कि यहाँ पे प्रीमियम फाइन डाइनिंग फूड भी है और ये कैफे स्टाइल फ्रेंच फ्राइज शेक्स ये सब कुछ भी है। एंड देन यू हैव दिस अमेजिंग मुर्ग बादाम शोरबा। तो उसके पीछे स्टोरी ये है कि ये जो है दिस इज वन ऑफ अ काइंड रेस्टोरेंट जहाँ पे इट्स 2-in-1। सुबह से लेके इवनिंग तक इट्स लाइक कैफे यंगस्टर्स के लिए, फ्रेंड्स इवन फैमिली, यू कैन हैव अ कैजुअल डे आउट कैफे एक्सपीरियंस। लेकिन जैसे ही रात का टाइम आता है तो इट बिकम्स लाइक अ फाइन डाइनिंग प्लेस। तो जैसे इतना ब्यूटीफुल सा इनका एनवायरनमेंट है, अंदर जो पेंटिंग्स है और जो बाहर इतनी खूबसूरत इन्होंने डेकोरेशन किया हुआ है, तो एकदम फाइन डाइनिंग आपको एक्सपीरियंस देती है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस, आप लोग आ सकते हैं। मतलब यू नो, अ प्लेस फॉर एवरी मूड, अ प्लेस फॉर एवरी एज ग्रुप। राइट, एग्जैक्टली। सो इट्स एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ। एंड इनफैक्ट ये एक पहला जो है एक ग्रीक एक्सपीरियंस भी नोएडा में पहला ऐसा रेस्टोरेंट है, तो ये आपको यहाँ तो
खाना बनता है गाइस। हाँ, और आजकल की एज में वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर प्लेसेस जो बहुत ही सुंदर हो, जहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज आए, क्योंकि अब शेयरिंग बहुत बढ़ गई है। दिस इज द परफेक्ट प्लेस, यू हैव टू कम। चलो खाना दिखाते हैं हम आपको। मेरा शेक तो काफ़ी अच्छा है, थिक है, जो कि जनरली हर जगह का नहीं हो पाता है। तो एंड कॉफ़ी का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, तो आपको पसंद है तो दिस इज डेफिनेटली इट। सो ये है हमारा शोरबा। हाँ, मुर्ग बादाम, मुर्ग बादाम शोरबा है ये। इनकी स्पेशलिटी भी है आई थिंक। तो ये सूप ट्राई करते हैं। बादाम के पीसेस हैं इसमें। नाइस। वैसे खुशबू भी जो है ना इतनी अच्छी आ रही है एकदम, मतलब अरे अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम भी है ना, तो अच्छा लग रहा है, गरम गरम मज़ा आ रहा है। आपको बादाम के पीसेस दिख रहे हैं इसमें। एक्चुअली वो क्रंची क्रंची और जो क्रीमी का जो अच्छा सा यू नो टेक्सचर जो है बैलेंस हो रहा है ना, और चिकन के पीसेस भी हैं। एक मिनट ना, हाँ ये रहा देखिए, बादाम चिकन सब कुछ है इसके अंदर। एक और बाइट ले लेती हूँ। और यार कोई भी जो कैफे एक्सपीरियंस है वो फ्राइज के बिना तो इनकम्प्लीट है बिल्कुल। तो एक पूरी प्लेट तो हमने पेरी फ्राइज की मंगवा ली है यहाँ पे। ओह पेरी पेरी फ्राइज, हाँ, पेरी, पेरी फ्राइज। अमेजिंग टिप। ये देखिए गाइस, दीज आर द फ्राइज, लाइक फ्राइज बिफोर एवरीथिंग। ये सो क्रिस्पी, बहुत बढ़िया हो रहा है। डिप के बिना ही इतना टेस्टी हो रहा है। क्रिस्पी। तो अभी मेघा क्या ट्राई करने वाली हो? रुमाली रोटी दिखाओ यार। एक्चुअली मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं रुमाली रोटी खाऊं, और ये देखिए कितनी कूल रुमाली रोटी है, एकदम रुमाल की तरह पतली है, जेब में रख ले। और ये हमारे कीमा नान, कीमा नान खाने का भी बड़ा मन था। अमेजिंग कीमा नान। क्रंच सुनिएगा गाइस, इतना अमेजिंग क्रंच आ रहा है। एक मिनट ना, बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं, तो है रहे? देसी पिज्जा टाइप हो रहे हैं। डिलीशियस, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यम्मी। और ये हमने मंगवाए हैं वेजी मशरूम है, राइट? कुम्द मशरूम, कुम समथिंग है ना। हाँ हाँ। और ये हमारे सीख मटन सीख कबाब। तो इनसे आप ये सीख सकते हैं, इनसे नहीं हमसे सीखिए, कि कैसे आपको यहीं यहीं बैठे बैठे ही अपना टेस्टी सा रुमाली रोटी रोल बनाना है। थोड़ी सी रुमाली रोटी ऐसे तोड़िए, जी हाँ ये देखिए, उसके अंदर डालिए आप अपने ये अच्छे से जो कबाब है ये डालिए, दो डाल लूँगी मैं। और डिप्स हमारे पास बहुत है यार, कोई भी डालिए। ये प्याज डालिए, ये देखिए प्याज जला इसके अंदर, और अब आएगा इसके अंदर ये चटनी। इनफैक्ट ये लीजिए यार, बिल्कुल क्लोजली देखिए कैसे आ रहा है, लाजवाब। ओह नो, ओके अब ये है, ये मैं नेहा को दूं या खुद खाऊं? आई थिंक आई विल ईट इट माय सेल्फ। ये को दे दूं, बना गया। ट्राई फास्ट। मुंह में पानी आ रहा है गाइस, सेकंड बाइट तो मेरी बनती है। सेकंड बाइट दो इधर। बहुत क्रिस्पी हो गया, परफेक्ट, सब कुछ एकदम परफेक्ट। कबाब बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा यम, एकदम स्पाइसी। जो फ्लेवरिंग है कबाब की बिल्कुल एकदम दिख रहे हैं, चिली एंड एवरीथिंग। तो गाइस भूलिएगा बात, कबाब के साथ रुमाली रोटी जरूर बनाएगा, क्योंकि बैठे बैठे आपका इतना एक यम्मी सा रोल बन जाएगा ना। इनफैक्ट ये कीमा जो नान है वो तो बहुत ही अमेजिंग है। हाँ, वो अपने आप में एक मील है। नेहा ने बहुत ही सही बोला कि ये इंडियन पिज्जा, प्रीमियम इंडियन पिज्जा। मैं सिर्फ इंडियन पिज्जा नहीं बोलूँगी, प्रीमियम, बिकॉज इतनी यम्मी फीलिंग है, इतनी प्रीमियम फीलिंग लग रही है, और जो क्रिस्प है यार। अभी क्या ट्राई करेगी नहीं? आई थिंक अब नॉन वेज हो गया, तो हम ये करते हैं वेज, जो कि मशरूम है। yes. मशरूम भी हमें बहुत पसंद है। yes. इसका नाम भी काफ़ी शानदार सा था, कुछ कुंभ मशरूम समथिंग, कुंभ शबनमी मशरूम था। तो ये शबनमी मशरूम देखिए, शबनमी
बस भाई कॉपीराइट स्ट्राइक लाएगी क्या? सो ये मशरूम जो है अब ट्राई किया था यार, ये मोमोज हैं। ये कैसे हैं? बहुत टेस्टी है, वाओ। परफेक्ट, इनका मसाला जो है ना इतना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही टेस्टी है। और ये रहे मोमोज, नेहा इतनी सारी डिप्स जो है जगल कर रही है क्योंकि इसके साथ ये है ऑफ कोर्स जो मोमोज की सॉस होती है, एंड देन दिस इज हॉट एंड चिली सॉस। और ये देखिए साइज देखिए, इन्होंने कितना मतलब इतना सही है ऐसे करके दे रखा है कि आप इजीली उठा सके, यू नो, विदाउट कुछ भी रहा है। ये देखिए गाइस, पानी तो नहीं आ रहा मुंह से, खा लूं मैं। तो ये तंदूरी मोमोज है मलाई वाले, चिकन मंगवाया हमने, नॉन वेज है, इनके पास वेज ऑप्शन भी है, तो हर किसी का आपको वेज नॉन वेज दोनों मिल जाएगा, जो भी आपकी प्रेफरेंस है। ये देखिए, हाय मैं हूं मेघा, हेलो, खाइए। मलाई तंदूरी मोमोज बहुत ही अमेजिंग है, मुझे लगता ही नहीं मोमोज सॉस की इतनी जरूरत है। हाँ पर मैं ट्राई करती हूँ सॉस के साथ भी, देखिए सॉस देखिए, इतना मज़ा आ रहा है, मतलब अपने मुँह का खाना रखना। तो अभी तक तो बहुत अच्छा है यहाँ का खाना है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जितना खा सकें आज, उनका जितना मेन्यू हम ट्राई कर सकें आज ही आज, उतना हम कर लें बस, तो घर जाके कुछ नहीं खाएंगे। इंटरेस्टिंग लग रहा है, एग हलवा तो बहुत हमने सुना ही नहीं है एक्चुअली कभी, बट ये एक्चुअली एग बेस्ड है जिसमें आपका केसर और ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। तो ये अभी हम टेस्ट करके बताएंगे एग्जैक्टली है क्या। यूजुअली इनके यहाँ पे बकलावा भी मिलता है जो कि ऐसा दिखता है, लेकिन अभी तो ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो इसकी जगह हमारे पास ये है चीज़ केक, न्यूयॉर्क चीज़ केक, जो कि मेघा का तो बहुत ही फेवरेट है। मैं बार बार से सुन रही हूँ कि इसमें एग की स्मेल कहाँ आ रही है। ये एक्चुअली ना ये एक देखने में हलवा लग रहा है, बट ये हलवा टाइप केक होगा शायद से, तभी इसमें मे बी एग हो। तो इसको एक बार खा के देखते हैं। देखिए अच्छा है, जैसे मैंने बोला ना ये एग केक से, एग केक ये हलवे का केक समझे वैसा है, थोड़ा सा ऐसा मूंग की दाल जैसा केक का या कुछ का टेस्ट आ रहा है, काफ़ी डिफरेंट है, अच्छा है। वेरी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर है इसका, काफ़ी अच्छा है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है। अब आ गई है हमारी कॉफ़ी, लिटिल कॉफ़ी, जिसके बाद में हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था इतनी गर्म है। सो श्योर्स गाइस, लेट्स स्टार्ट ड्रिंकिंग दिस। टेस्टी हो रही है, गर्म हो रही है, मज़ा आ गया। तो हमें तो इसको इतनी मीठी पसंद नहीं है, तो हमने उसी हिसाब से बनवाई है और अच्छी हो रही है। हाँ अच्छी चीज़ें लोग पूछने आते हैं, आपको मीठी पसंद है, कितना मीठा चाहिए होगा, एंड हम यूजुअली विदाउट शुगर लेते हैं, ज़्यादा हनी डालते हैं अपनी कॉफ़ी में, तो ये काफ़ी अच्छी हो रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, तो अच्छा कॉफ़ी का फ्लेवर है, कप भी अच्छा है, डेजर्ट, हाँ कप भी प्यारा है। सो दिस हैंड बिटन कॉफ़ी इज़ अ मस्ट। यस गाइस आइए, और ये देखिए मेरे पीछे सीधे ग्रीस का डोर है, अब मैं यहाँ पे जाने वाली हूँ, हम दोनों का सीधा लेंगे और जाएंगे अंदर ग्रीस का दरवाजा। होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो गाइस, और आप यहाँ आइए, और जब आएंगे तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा और क्या क्या आपने खाया, और कुछ आप रिकमेंड करना चाहेंगे तो प्लीज़ रिकमेंड करिए। सो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।